हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पवार न्यूज़ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं सरोज पवार देवभूमि उत्तराखंड से, और फ्रेंड मैं आई हूं आज देहरादून अपने भाई के रिटायरमेंट पार्टी में। मेरी बड़ी वाली बुआ जी है, उनके बेटे जो है आर्मी में थे, तो अभी हाथ जो है रिटायरमेंट आए हैं, तो उनकी पार्टी रखी हुई आज देहरादून होटल में। तो हम सब लोग जो है आज इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो रहेगा आप लोग एंड तक वीडियो में। फ्रेंड, ये GHS फार्म है और ये SBT के पास है, तो भाई की रिटायरमेंट पार्टी भी आज यहीं रखी गई है। और यहाँ जो है पूरी अच्छे से व्यवस्था की गई है, अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, तो ये शादी पार्टियों के लिए बहुत ही बेस्ट फार्म है। बड़ी वाली बुआ जी है। ये दीदी और भाई हैं, ये भाई की पूरी फैमिली है। मामा जी हैं, ये बुआ जी है, भाभी है, भाई भाभी के पापा हैं, और मामा जी हैं, भाई है, ये बड़े वाले भाई हैं, बुआ जी दीदी, तो अभी पूरी फैमिली है। ऐसा हमने मिला हो रहा अभी। आप भी मंच पर आकर इन्हें खुश भेंट में सम्मानित करने की कृपा करें। श्री कुंवरसिंह चौहान जी, भाभी जी के पापा जी, भाभी को माला पहना रहे और भाई को सम्मानित किया गया है अभी। और ये मामा जी है भाई के बड़े वाले पापा जी। चेक आशीर्वाद है, बोले आशीर्वाद। और इसी के ये भाभी है कविता रौंझेदा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। और ये भाई है भाभी। और मेरा अनुरोध है कि जो लोग मुझ पर हमारे आज के विशिष्ट मेहमानी जो है उनको जी
देखो पकड़वा। और इसी से करने वाले भाई, ये हमारे कमल भाई जी है सैनजी से। ये जयद्वार से भाई है सिंह भाई। अपनी सेवाएं दी है तथा 2001 में कारगिल बॉर्डर पर भी उन्होंने अपनी तैनाती की है और देश में जो अपना अमूल्य योगदान दिया है हम सब आपका। और इसके पश्चात इन्होंने IMA हरिकेन में तथा इनकी सेवाएं जम्मू कश्मीर तथा विदेशों में भी इन्होंने सेवाएं दी है अपनी। साउथ अफ्रीका जैसे देश में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इसी प्रकार अभी आप देश की सेवा करके आए हैं। हम कामना करते हैं कि आगे भी आप किसी और रूप में अब इस देश को अपनी सेवाएं देते रहें, हम ऐसी आशा करते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाइयां। ये दीदी है बड़ी वाली, मेरे से बड़ी, और ये है दीदी की बेटी आरुषी। ये भी भाई को सम्मानित कर रहे हैं अभी। और ये बड़े वाले भाई हैं, मेरे बड़े वाले भाई, और ये भाई को अभी सम्मानित कर रहे हैं। तो जो भाई है ये भी फौज से रिटायरमेंट आ चुके हैं अभी। ये बुआ जी है, ये भी मेरी बुआ जी है। और ये है अब छोटी वाली बुआ जी, ये सबसे छोटी वाली बुआ जी हमारी। ये मेरी छोटी वाली बहन है। अभी सब लोग हो गए इकट्ठे, सारे नेता नेता हो रखे हैं इकट्ठे। खाना कैसा लग रहा है? बड़े बिल्कुल एवन ये भी खा रहे खाना। खा रहे
तक आ रहे हैं, आगे काम नहीं करना है, बचाओ कैसे, बच जाएगा पक्का दौड़ के। चलो ठीक है बस इतने बहुत है, पेट भर जाएगा आपका पक्का। दाल तो रोज खाते आप, दाल भी काम से मैडम, पता नहीं क्या क्या खाएगी अब, ज़्यादा मोटी तगड़ी तो नहीं हो रहे। ये तो क्या क्या ले रखा है, पनीर ले रखा है, गोभी ले रखे, पापड़ ले रखे, चावल भी ले रखा है, वेरी गुड। ये भाई साहब जी हमारे हैं डॉन साहब। हेलो बेटा, ये भी खा रहे। मतलब वैलून भी और खाना भी इकट्ठा ही हो रहा है। अरे वेरी गुड। हाँ जी भाई साहब, आपने भी ले ली सलाद? ये हमारे यहाँ से भाई साहब। हेलो कैसे, बहुत ठीक है। हेलो, हो गया आप लोगों का खाना पीना? तो इन लोगों ने पहले सबको खिलाया, पूरी व्यवस्था देखी, इसके बाद अब खुद खाने बैठ गए। तो कम कम खाओ आप लोग, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन लोगों की अभी पूरी कॉमेडी चल रही है, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो अच्छी बात है। साथ साथ में गप्पे भी चल रही है, पूरी इंजॉय चल रही है खाने के साथ साथ में। तो ये भाई है और ये भी भाई है। हेलो भाई, हेलो। तो पूरी मस्ती चल रही है आप लोगों की खाने के साथ साथ हैं। चलो अच्छी बात है, कभी कभी मौका मिलता है साथ में बैठने का, तो खाओ आप लोग। ओके फ्रेंड, ये मेरी बुआ जी है, ये छोटी वाली बुआ जी है और ये इनसे बड़ी वाली बुआ जी है। तो आज हमारे भाई के रिटायरमेंट पार्टी में आ रखी है हमारी बुआ लोग, और बुआ जी लोगों से मिलवाती हूँ आप लोगों को।
और ये हैं मेरे बड़े वाले भाई जो अभी रिटायरमेंट आए आर्मी से, तो इनकी जो है रिटायरमेंट पार्टी थी आज यहाँ होटल पे, तो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए सब लोग। और ये है भाभी, ये भाभी है और ये भाई है। भाभी रिटायर हो गई। भाभी रिटायर नहीं, भाभी भाभी अब रिटायर नहीं हुई, भाभी अब अपनी जिंदगी जिएगी अच्छे से। और ये दीदी है, ये बड़ी वाली बुआ जी की बेटी है, ये हीरोइन है हमारी। ये मामा जी हैं मेरी बड़ी वाली बुआ जी के हस्बैंड जी। तो सबसे बड़े मामा जी है सबसे बड़े वाले, है ना, ये हमारे दल लेजेंड। सही बात। और ये विवेक है छोटी वाली बुआ जी के बेटे। और ये भाभी है, ये बड़ी वाली बुआ जी की सबसे बड़ी वाली बहू है। ये है हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ जी। उधर चलो, किधर को चलो, इधर को। और ये मेरी छोटी वाली बहन है। अभी पूरा हॉल खाली हो गया है, सब लोग जो है अभी अपने घर के लिए निकल गए हैं। तो ये है मेरे सबसे बड़े वाले भाई, ये हाँ जो बड़ी वाली बुआ जी हैं उनके सबसे बड़े बेटे हैं, और फिर ये छोटे वाले भाई हैं। तो इनकी जो है रिटायरमेंट पार्टी थी, इन्होंने 24 साल दिए अपने हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा की है 24 साल तक। और ये जो है अब रिटायरमेंट आए, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे भाई घर आए हैं, है ना भाई। कुछ बोलना चाहोगे भाई अपने देश के युवाओं के? सिविल में समाज सेवा करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। सही बात है। और आगे जो अभी जैसे ये छोटा वाला भाई है, आप लोग भी कोशिश, सैल्यूट है, है ना। एंड ये मेरी बुआ जी है, और मेरी बुआ जी भी आज देहरादून आ रखी है भाई की रिटायरमेंट पार्टी में, है ना बुआ जी। हाँ जी, तो कितने खुशी की बात है। खुशी की बात है, हमारा बेटा रिटायरमेंट आया और पार्टी खाने आ रखे हम देहरादून में। और माओं को तो इतनी खुशी होती कि हमारा बेटा बस घर आ गया, उससे हाँ उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना। बहुत बड़ी खुशी है। तो मेरे भाई ने अपने जो है 24 साल दिए अपने देश के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे भाई आर्मी में है। और मेरे जो बड़े वाले भाई है वो भी आर्मी में थे, वो भी रिटायरमेंट आ चुके हैं। तो हमें बहुत गर्व है कि हमारे भाई लोग अपने देश के लिए जो है इतने साल दिए अपने देश को। तो सलूट करते हैं हम अपने भाई लोगों को। फ्रेंड, आज की पार्टी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे भाई को ढेर सारी विशेज देना आप लोग। उन्होंने जो है अपने देश के लिए अपने 24 साल दिए हैं, वो अभी आर्मी रिटायरमेंट आए हैं 24 साल बाद। मेरी तरफ से भी मेरे भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत फ्रेंड, मैं आज अपनी वीडियो को यही एंड करूँगी, तो मिलूँगी आप लोगों नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना दोस्त। बाय बाय फ्रेंड्स।